कोलकाता शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी इलाके में आज एक प्रॉपर्टी विवाद में कार्रवाई नहीं होने से खफा होकर माँ बेटा जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गए। अचानक हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, माँ बेटे से समझाइश की। अधिकारी फोन के जरिए महिला से समझाइश में जुटे रहे, लेकिन महिला अपनी मांग पर अड़ी रही। लगभग एक घंटे तक माँ बेटे टंकी पर ही चढ़े रहे। मौके पर चार थानों की पुलिस व निगम की रेस्क्यू टीम महिला को नीचे उतारने का प्रयास करती रही। आखिर में स्थानीय पर्सन ने टंकी पर चढ़कर महिला से समझाइश की, दोनों को सकुशल नीचे उतारा। पुलिस दोनों को अपने साथ थाने ले गई। जानकारी के मुताबिक पानी की टंकी पर चढ़ी महिला रुक्षा योगेश बादल की दूसरी पत्नी है। योगेश बादल की पहली पत्नी से दो बेटे हैं। योगेश बादल अपनी पत्नी रुक्सार व दो बच्चों के साथ केशवपुरा इलाके में रहता है। योगेश बादल का अपने दो भाइयों से पुश्तैनी जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। योगेश बादल का आरोप इस मामले में कैथुनी पोले थाने में शिकायत दी गई थी। आज पत्नी के साथ महावीर नगर थाने में शिकायत देने गए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसकी पत्नी 13 साल के बेटे को लेकर मरने की बात कहकर घर से निकली थी और जास्ट हॉस्टल के सामने जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहीं डीएसपी अंकित जैन ने बताया कि मकान को लेकर पारिवारिक विवाद था। विवाद को सुलझाने के लिए महिला टंकी पर चढ़ी थी। आपराधिक कृत्य है, इसमें जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। आपसी विवाद को सुलझाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मौके पर पहुंच गए थे। संबंधित थाना अधिकारी को निर्देश दिया। महिला ने 16 जून को कैथुनी पोल थाने में परिवार दिया था। सुनवाई के 17 जून को महिला को थाने पर बुलाया गया था, लेकिन महिला नहीं पहुंची। 15 दिन में तीसरी घटना। इससे पहले महावीर नगर थाना क्षेत्र में केशवपुरा इलाके स्थित राम जानकी मंदिर के पास एक युवक पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं होने पर दो बार बंद मोबाइल टावर पर चढ़ा था। दोनों बार युवक बाइक छोड़ने की मांग पर अड़ा रहा था, इसे समझा बुझा के नीचे उतारा गया था। ये 15 दिन में तीसरी घटना है जब अपनी मांग मंगवाने के लिए एक महिला 13 साल के बेटे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। हमारा पेमेंट दे दूंगा, आप कुछ नहीं दे रहा है। और आज मेरे घर में आटा भी नहीं है और मेरी होटल चलाता हूँ, मेस का बच्चे चलाता हूँ, मेस नहीं चल रही मेरी, मैं कहाँ से क्या करूँ। हाँ है ना, तो मेरे को आए दिन धमकी देते हैं कि पुलिस मेरी जेब में और तुझे चाय दूंगा जब चाय बंद करा दूंगा। तो मैंने 16 तारीख को रिपोर्ट कराई ना, मेरी 16 तारीख को कोई रिपोर्ट का कोई कुछ नहीं करा वहाँ पे केतुनी पोल थाने में, है ना, किसी ने कुछ नहीं करा। और आज मुझसे कह रहे हैं केतुनी पोल थाने वाले कि दोबारा रिपोर्ट करा दे। क्यों कराऊँ दोबारा रिपोर्ट? और आज इसको अरेस्ट कर लिया तो करा। आज छोटा भाई है कौन? ये मुझसे छोटा भाई है, इसका नाम रिंकू उर्फ गुनेश, गुनेश उर्फ रिंकू। मैं केशवपुरा और ये केतुनी पोल। पुलिस वालों का ये मीटर है, ये यूँ कहता है कि जेब में है मेरे पुलिस, ये मेरा भाई, हाँ क्योंकि पैसा है ना इसके पास में, इसलिए कहता है ये मेरे पास नहीं है, वो मेरी घरवाली और मेरा बड़ा लड़का है। आज थाने से आने के बाद में मैंने इनसे कहा मेरे घर चलो, महावीर नगर थाने में। ये लेडी थी जो किसी घर की बहू है, तो आपस में प्रॉपर्टी का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ आपस में लड़ाई झगड़े थे, जो वो पानी के ऊपर टंकी के ऊपर चढ़ गई थी। और सारे 6 थानों की पुलिस थी यहाँ पर, सारे देख रहे थे, लोग भी देख रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि कोई कहीं कूद ना जाए। मैंने थोड़ा बातचीत करके भाई अपना दायित्व समझ के मैं ऊपर चढ़ा, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी। वो बोली थी नहीं मैं नहीं मानूंगी जब तक मेरे सामने पूरी कार्रवाई लिखित में नहीं होगी। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने सारे अधिकारी सब नीचे हैं, उनको बहुत समझाइश करी कि उन्होंने बोला मेरे पास खाने का वो नहीं है। तो मैंने कोई बात नहीं, हमारे ओम बिड़ला जी जो है वो राशन बांट रहे हैं, तो आपके 2-3 महीने का मैं राशन दिलवा दूंगा, और भी मदद होगी मैं करवाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझाइश करें, आपस में बात करें, फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है वो करें। तो दो बार सर वो समझी नहीं, फिर मैं नीचे आया हूँ, फिर मैं नीचे आके बात कर रहा था, कोशिश करी, सबका साथ था, तो मैंने भी कोशिश करके उसको समझा कर नीचे लेके आया हूँ। मैं अभी मैंने थानेदार साहब से बात करवा दी है उनकी कि भाई क्या है क्या नहीं, आप जरा सा समझाइश करो। कौन से थाने में लेके गए? जवाहर जवाहरनगर थाने में लेके गए। मामला क्या है पूरा बयासी? मामला कुछ ये है कि उनका देवर, वो बोलती है कि देवर वो मतलब प्रताड़ित करता है, भुवनेश गोचर आई थी, और वो प्रताड़ित करता है, बच्चों की फीस नहीं है, कल लैटरिन तोड़ दी, रात की जो हम जाते हैं वहाँ पर लैटरिन करने, तो वो तोड़ दी, कोई पानी वो गैस की टंकी लगा के आग लगाने चाह रहा था। आपस में मतलब वो देवर और इनका आपसी विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, लेन देन का जो भी विवाद है, उनका प्रॉपर्टी का विवाद है मेन। अब वो विवाद तो पुलिस और वो क्या कर सकती है, वो तो आपस में उनको मैंने उसको अपनी हर तरीके समझाया। मैंने बोला तुम, मैं तेरे तुम्हारे परिवार वालों में से ही हूँ, मैं पार्षद हूँ यहाँ का, आधा घंटा मैंने उनको समझाने में लगा कि भैया मैं तुम्हारे परिवार से ही हूँ, तुम्हारा अच्छा चाह रहा हूँ, ये नहीं तुम्हारे कोई कार्रवाई ऐसी नहीं होगी, लेकिन आप समझो नीचे आओ,
ये ऐसे हल नहीं होगा आपकी प्रॉब्लम का। ये कहाँ पर रहती है महिला? ये साजी जड़ा में है। उम्र कितनी है? 28 साल है इनकी। क्या नाम है इसका? रुखसाना। लड़के का? लड़के का है बादल, है योगेश बादल, तो इसके पति है। इसकी पहली पत्नी भी थी योगेश बादल की, वो उसकी उसी के बच्चे हैं सर, तीनों दूसरे एक बच्चा है, दो बच्चे इसके हैं रुखसाना के। तो आप वो भी यहाँ पे रो रहे थे, जिनसे फिर बाद में मेरे को देखा नहीं गया, तो फिर मैं कुछ हिम्मत करके मैं ऊपर जाऊँ, बात करिए। पहले वाली पत्नी भी आई थी क्या उनकी? नहीं नहीं शांत हो गए। आपका नाम बताइए। मेरा, मैं वार्ड 55 से पार्षद योगेश। जो भी एक आपराधिक कृत्य है जो भी उसे कानूनी कार्रवाई रोकी जाएगी, और जो उनका विवाद है उसको सुलझाने के लिए मौके पर पधार गए थे, और उन्हें जो ऐसे जो कंसर्निंग है क्या तुम बोल उनको उस बारे में निर्देश दीजिए। सर पुलिस पे भी कह रहे हैं कि पुलिस ने भी सुनवाई नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं। परिवार 16 तारीख को प्राप्त हुआ था, 17 तारीख को इस महिला को इसके संबंध में बुलाया गया, उसके बाद आज 19 तारीख को ये महिला आई है। इसके बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल उचित जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी, क्योंकि ये आपराधिक कृत्य है, इस प्रकार के कृत्य नहीं होने चाहिए। थैंक यू। लग रहा है एक ताला नीचे लग रहा है, एक ताला ऊपर लग रहा है, दोनों ताले में तोड़ के ऊपर चढ़े हैं वो। तो यहाँ कोई चौकीदार वगैरह नहीं है? चौकीदार रहता है यहाँ पे हमारा, जब टाइम यहाँ पे सप्लाई में अभी गेट में टूटा हुआ, बाहर का बाहर का गेट का क्या है साहब? बाहर का गेट के लिए क्या कहेंगे? बाहर का गेट अभी तोड़ा हुआ है, तो इसको लगवा देंगे। ये इधर ये पार्टी, अरे टंकी पे दो ताला, पास में दारू की बोतलें पड़ी हुई है, क्या पार्टी होती है? ये दारू की जो बोतलें पड़ी हुई है ये टंकी पे, कौन सी बोतलें पड़ी वो भी है? ये तो नाइट मार्केट से करते थे, वेट में जयन पी रहे हैं ना, कौन पी रहे हैं यहाँ पे? कॉमर्स ले रहा जयन एक्शन पे भी एक्शन, ठीक है। सब गायब कर दिया वहाँ से, अब हम किससे बोले? तो फिर ये क्या हुआ फिर आज? आज हम केतनी पोल थाने में गए ना कि इसको बुलवाओ, तब भी वो ये कहने लगे कि दूसरी रिपोर्ट कराओ, जब जाके हम कुछ कार्रवाई करेंगे, है ना, तो रिपोर्ट ही करवाते रहेंगे हम फिर बस। और ये मेरा भाई बोलता है कि पुलिस मेरे आक्रोशित होकर आपकी पत्नी चढ़ गई। हाँ, मैं इनको वहाँ से लेके आया, मैंने कहा महाविनगर थाने चलते हैं अपन, वहाँ रिपोर्ट करा देते हैं एक बार और, है ना। तो मैं महाविनगर थाने के लिए मैं इनको लेके निकलने वाला था, इसके पहले ये निकल ली, तो मैंने कहा महाविनगर थाने क्यों वहाँ गया, ये वहाँ मिले नहीं मिले। आधा घंटे तक फोन लगाया, जब गणेश ढाबे वाले के पास फोन लगाया, उसने बोला कि कहाँ है, कि मैं टंकी पे हूँ, तलवंडी की तीनों टंकियाँ देखी, ये टंकी देखी जब यहाँ आया मैं, ये तीनों बच्चे और घर से लेके आया, क्या करता है इन बच्चों को, छोटों को घर पे छोड़ के आऊंगा मैं। एक बच्चा भी ये मेरा बड़ा लड़का है, इसकी 10th की पेपर है, कोई बड़ी स्कूल वाले फ्यूज होती है, स्कूल वाले कहते हैं 70,000 रुपये तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करो, जबकि मेरा बच्चा 2 साल से दौरान स्कूल में नहीं भेजा मैंने, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? क्या नाम है आपका? योगेश बादल नाम है मेरा। R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट, कोटा से।